हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टू फोर सक्सेस चैनल में। इस पजल के सीरीज में आज हम लोग करेंगे डी बीस पजल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कंडीशन को मर्ज करते हैं, कैसे कंडीशन को लिया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आज का क्या है देखते हैं। और ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो है सिक्स से एम्प्लॉयज है ज्वाइन किया गया है। तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट डेज में ज्वाइन किए गए हैं, ठीक है। वीक, सारे वीक में, मीन्स कि स्टार्ट कहाँ से है, मंडे से लेके संडे तक। तो फर्स्ट डे हमारा मंडे और लास्ट डे हमारा क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि वन ऑफ द डेज वो होली डे, इसमें से एक दिन जो क्या है वो होली डे है, क्लियर है। वेन नो एम्प्लॉय ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, जिस दिन छुट्टी है उसमें कोई भी ज्वाइन नहीं करता है, मीन्स कि 7 दिन है तो 6 ही दिन वर्किंग डेज है, 1 दिन वो हॉलीडेज है। तो हमें देखना है कि कैसे हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ तक तो अभी तक सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रखा था, ठीक है। अब मेन यहाँ से स्टार्ट होगा, मीन्स कि यहाँ पे एम्प्लॉयज का नाम दे रखा है सारे एम्प्लॉयज का, कि नैना, निमित, नक्चय, निक्की, नुपुर और नव्या। तो देयर आर 2 डेज बिटवीन द ज्वाइनिंग डे ऑफ नुपुर एंड नैना। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेज को, डेज फिक्स है ना कि पहले मंडे आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, मंडे से कर लेते हैं, पहले डेज को फिक्स करते हैं। मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। अब ये सारा डेज हमारा फिक्स हो गया, क्लियर है कि इसी डेज में हमारे फिक्स होते ही है, मीन्स कि मंडे से अगर बोल दिया कि स्टार्टिंग डे है तो यही हमारा फिक्स हो जाएगा। अब चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 2 लाइन कर देते हैं ताकि इसमें एक कंडीशन और इसमें दूसरे कंडीशन को हम लोग बना पाएंगे। अब सबसे पहले बोला क्या है कि देयर आर 2 डेज बिटवीन द ज्वाइनिंग डेज ऑफ नुपुर एंड नैना, हु ज्वाइन आफ्टर नुपुर। नुपुर के बाद ज्वाइन करती है कौन, नैना। तो पहले नुपुर, ठीक है, 1 2 फिर कौन हो जाएगी, नैना। नुपुर के बाद तो 1 2 फिर नैना। उसके बाद क्या करें, निकी ज्वाइन ऑन थर्सडे। निकी कब ज्वाइन कर रहा है, थर्सडे को ज्वाइन कर रहा है, तो इसके में हम फिट कर देते हैं, थर्सडे में निक्की को कर देते हैं। निक्की 2 कंडीशन ले रहे हैं तो इसमें भी निक्की को कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो आगे करते हैं, आगे क्या कह रहा है कि नव्या ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर निमित। निमित से इमीडिएटली बिफोर ज्वाइन कर रहा है कौन, नव्या, हु ज्वाइन ऑन द सेकेंड डे ऑफ द वीक। तो वीक का सेकेंड डे, हु किसके लिए आता है, नियर पर्सन के लिए। नियर कौन है, निमित है, मीन्स कि हु आया है निमित के लिए। तो निमित सेकेंड डे, मीन्स कि फिक्स हो गया कि निमित जो ज्वाइन कर रहा है वो ट्यूजडे को कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम निमित को करते हैं कि निमित यहाँ पे हो गया, तो निमित से इमीडिएट, इमीडिएट को जस्ट इससे ऊपर, ऊपर कौन हो जाएगी, नव्या। तो नव्या को हम यहाँ पे सीट करा देते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि नोबडी ज्वाइन आफ्टर नक्स, नक्स के बाद कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा है, मीन्स कि संडे के बाद कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, है ना, क्योंकि संडे अगर लास्ट डे है तो इसके बाद कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। और सैटरडे इज अ वर्किंग डे, तो सैटरडे क्या हो जाएगा, उसके बाद वर्किंग डे आ जाएगा। देखो, अगर हम ये कह सकते हैं कि मीन्स संडे अगर होली डे का लेंगे, तो मीन्स कि संडे को होली डे लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम नक्स को डालते हैं कि नोबडी ज्वाइन आफ्टर, तो नक्स को अगर यहाँ पे डालते हो तो फिर ये वाला जो कंडीशन हो जाएगा ना, तो इस कंडीशन को हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस वजह से हमें नक्स जो है उसको संडे में ही लेना पड़ेगा, तो नक्स को यहाँ पे रख दें, ठीक है। उसके बाद अब इसको करो, नुपुर के बाद नैना, बीच में 2 पोर्शन, तो क्या यहाँ पे नुपुर हो जाएगी, नुपुर, और ये क्या हो जाएगी, नैना। तो यहाँ पे नैना को रख दो। अब क्या बोला था, सैटरडे इज अ वर्किंग डे, देखो तो सैटरडे में 1 पोर्शन आ गया, मीन्स की वर्किंग डे हो गया। अब हमारा छुट्टी होलीडे का 2 दिन कौन सा हो गया, फ्राइडे हो गया, इसमें कोई भी पर्सन ज्वाइन नहीं करता है, मीन्स की फ्राइडे का डे हमारे लिए क्या हो गया, छुट्टी का दिन हो गया, ये यहाँ पे छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से एक ही कंडीशन में आराम से ये बन गया।
यदि आपको ये एक ही कंडीशन में बन जा रहा है तो बिल्कुल गुड है, बहुत अच्छे है। इसी तरीके से ये एकदम इजी लेवल का है, ठीक है। इससे भी डिफिकल्ट लेवल, मतलब धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे, तो जो भी बिगनर है उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल करेगा, क्योंकि एकदम बेसिक से एक एक चीज़ हम नोट करते हैं कंडीशन, फिर कैसे मर्ज करते हैं इसको हम दिखाते हैं। अब देखो इस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, यदि आपसे पूछता है कि नुपुर जो है वीक के कौन से डेज में काम कर रही है, तो नुपुर का डेज क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि नव्या और निकी के बीच में कितने पोर्शन काम कर रहे हैं, तो नव्या और निकी के बीच में 2% काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर ये बन जाता है तो आप तो कुछ भी इसमें कर ही सकते हो, जो भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हो, क्लियर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल हो। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप अपना रिव्यू हमें कॉमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरीके से बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।